जय धनवंतरी टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे दिग् निरूपण के बारे में। दिग् का मतलब होता है दिशा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जो भी लिखेंगे उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। फर्स्ट वन इज दिशा की परिभाषा, दिशा के ज्ञान की आवश्यकता, दिशा के पर्यायवाचक शब्द, उपाधि भेद से दिशाएँ कितनी हैं और दिशा का ज्ञान का निर्धारण कैसे करते हैं, उसके साथ साथ दिशा का लक्षण और उसके बाद दिशा और काल में अंतर भी और दिशा का महत्व भी। वो औषधि के हिसाब से भी महत्व पढ़ेंगे और उसका जलवायु के हिसाब से भी महत्व पढ़ेंगे दोनों। तो दिशा क्या होता है? जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है ना तो उसको सांसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए संसार के सभी स्थानों के बारे में जानना होता है। कहीं भी उसको जाना हो, देशाटन करना हो या तीर्थ में जाना हो या व्यवसाय करना हो, कहीं भी कोई भी चीज़ जब भी आप मूव करना चाहते हैं तो आपको दिशा के बारे में ज्ञान होना अनिवार्य रूप से है ना। अनिवार्य रूप से आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, हम इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं या लेफ़्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो होते हैं ना, जिसके लिए हम जिस वजह से यह व्यवहार होता है वही दिशा कहलाती है। ठीक है, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए चाहे कोई भी कार्य करें, अगर मुझे पता है कि मेरा कॉलेज नॉर्थ साइड में है तो मैं नॉर्थ साइड की ही तरफ जाऊँगी ना। लेफ़्ट अगर मैं ईस्ट में चली गई या वेस्ट में चली गई तो मुझे कॉलेज थोड़ा ना मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं तभी प्रॉपर पहुँच पाऊँगी जब मुझे ये पता है कि मेरा कॉलेज कौन से डायरेक्शन में आता है, तभी मैं कॉलेज तक पहुँच पाऊँगी। ठीक है, इसलिए कहीं भी जाने के आने के लिए, किसी भी जगह पर मूव करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए या किसी चीज़ को ढूंढने के लिए हमको दिशा का ज्ञान होना अनिवार्य है। अभी से नहीं, आदिकाल से इसका वैसे ही होता है। दिशा के ज्ञान के अनुरूप ही सब चीज़ें होती हैं और दिशा भी काल के समान सूर्य के अनुसार ही निर्धारित की जाती है। ठीक है, ठीक, सूर्य के अनुसार निर्धारित की जाती है। कैसे? जैसे कि सूर्य के समक्ष कौन सी दिशा होती है? सूर्य के समक्ष होती है पूर्व दिशा। ठीक है, हम बोलते हैं ना पूर्व से सूर्य उदय होते हैं, तो हाँ सूर्य के समक्ष जो दिशा है, सूर्य ठीक सामने जिस तरफ मुंह करके हम खड़े हैं और उस तरफ अगर हमारे सामने की तरफ में सूर्य हो तो वह पूर्व दिशा होती है। उसके ठीक पृष्ठभाग में यानी कि पश्चिम में। ठीक है, पृष्ठभाग यानी पीछे का भाग, पूर्व के ठीक पीछे का भाग, मतलब सूर्य की तरफ हम मुँह करके खड़े हैं तो हमारा पृष्ठभाग जो है वो पश्चिम कहलाता है, हमारे हाथ से दाहिना ओर जो है वो दक्षिण कहलाता है और जो वाम भाग है यानी कि बायां भाग है वह उत्तर दिशा कहलाती है। ठीक है, दिशा की परिभाषा में आपको ये सब कुछ लिखना है। क्या लिखना है आपको, कहाँ से कि दिशा की ज़रूरत क्यों है, पूरा दिशा किसको कहते हैं, इधर उधर इधम। ठीक है, यह सब व्यवहार जो होता है वो दिशा की वजह से होता है। ये सब परिभाषा में आप लिख सकते हैं। एक एग्जांपल है, अगर दिशा का ज्ञान नहीं होता तो हम सही जगह पर कभी भी नहीं पहुंच सकते। एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि हनुमान है, जब लंका और का युद्ध हो रहा था उस समय हनुमान गए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए। उनको तो पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है, उनको मालूम ही नहीं। उनको वैद्य सुसैन ने केवल ये बोला कि आप पर्वत से लेके आइए। कौन से पर्वत से? द्रोणागिरी पर्वत से। अब द्रोणागिरी पर्वत में संजीवनी बूटी आप वहाँ से लेकर के आइए। द्रोणागिरी पर्वत कहाँ है, उन्होंने पूछा हनुमान ने, तो उन्होंने बताया कि आप उत्तर दिशा की ओर चले जाएंगे, उत्तर दिशा में आपको द्रोणागिरी पर्वत मिलेगा। अगर उनको उत्तर दिशा का ज्ञान ही नहीं होता तो वो कैसे जाते वहाँ तक? वहाँ जाने के बाद भी उनको संजीवनी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, केवल उनको यही पता था कि उत्तर दिशा की ओर कोई हिमालय सॉरी पर्वत है हिमालय में। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर है और वहाँ उस पर्वत पे कोई बूटी है जिसको मेरे को लेके आना है, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि वो कौन सी औषधि है। केवल औषधि का उनको दिशा निर्देश दिया गया था कि इस दिशा में आपको वो औषधि उस पर्वत पर मिलेगी, केवल उस दिशा का ही अनुसरण करते वो वहाँ तक पहुँचे और पूरा का पूरा पर्वत उठा कर ले आए, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि वो औषधि कौन सी है। ठीक है, इसलिए दिशा का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर उनको दिशा पता ही नहीं होती तो वो शायद उस पर्वत तक कभी पहुँच ही नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उपाधि भेद से दिशाएँ, दिशा के पर्यायवाचक शब्द। ठीक है, दिशा के पर्यायवाचक शब्द क्या है, चार हैं यहाँ पर। पहला तो यह है कि कक्कु, दूसरा काष्ठा, उसके बाद आशा, उसके बाद हरिदश्य। ये अमरकोश के अनुसार है, इसको आप श्लोक से भी याद कर सकते हैं। दिशस्तु ककुब काष्ठा आशाश्च हरिताश्च। ठीक है, दिशा, ककुब, काष्ठा, आशा और हरित, ये पांच पर्याय हैं किसके, दिशा के। इसको आपको हमेशा याद रखना है, पीजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नॉर्मली आता ही आता है। अब उसके बाद आ गई चार दिशाएँ, पहली पूर्व, दूसरा पश्चिम, फिर दक्षिण और उत्तर। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य के समक्ष जो होता है, ठीक है, सूर्य के समक्ष क्यों, सूर्य के समक्ष इसलिए क्योंकि दिशा का निर्धारण भी जो है ना, दिशा के ज्ञान का निर्धारण भी सूर्य के आधार पर ही किया जाता है। जैसे काल का निर्धारण सूर्य के आधार पर किया जाता है, सूर्य की गति के आधार पर होता है, बस केवल सूर्य की गति के आधार पर काल का निर्धारण होता है। पीजी में ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि सूर्य की गति के अनुसार किसका निर्धारण होता है, तो वहाँ पर काल का आता है, लेकिन सूर्य के आधार पर, मतलब सूर्य को देख कर, वहाँ पे सूर्य की गति के हिसाब से नहीं हो रहा है, सूर्य को देख कर हो रहा है। ठीक है, सूर्य के प्रत्यक्षता होने पर जो ज्ञान होता है ना, वो दिशा का ज्ञान होता है। उसके निर्धारण के लिए दिशा का, सूर्य के आधार पर दिशा का निर्धारण किया जाता है।
ठीक है, तो मैं आपको एक मतलब छोटा सा वो बताती हूँ, आपको एक टेबल दिखाती हूँ। देखिए सूर्य आप देख ही रहे हैं, सूर्य के समक्ष जो होगा एकदम मतलब सामने की ओर वो होगा पूर्व दिशा, ठीक है। उसके ठीक पृष्ठभाग में जो होगा यानी कि पीछे की ओर वो क्या होगा पश्चिम दिशा। सूर्य के दक्षिण ओर जो आप देखेंगे मतलब कि दाहिनी ओर तो वो है दक्षिण दिशा, और सूर्य के बाईं ओर जो आप देखेंगे वो होगा यानी वाम भाग में वो है उत्तर दिशा। अब इन दिशाओं के बीच में ठीक है अपने अपने कोण होते हैं, चारों दिशाओं के चार कोण होते हैं, जैसे कि पूर्व और दक्षिण के मध्य में आता है आग्नेय कोण, ठीक है। ठीक उसी प्रकार दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जो होता है वो नैऋत्य कोण कहलाता है, पश्चिम से उत्तर की ओर जो होता है वो वायव्य कोण होता है, और उत्तर से पूर्व की दिशा की जो होता है वह ईशान कोण होता है। ईशान कोण का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि पूर्व दिशा को माना गया है कि इसके स्वामी सूर्य हैं, जबकि उत्तर दिशा को माना गया कि इसके स्वामी चंद्रमा है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों का यहाँ पर मिलन होता है इस कोण पे, इसलिए इसको ना ईश्वर का स्थान माना गया। ईशान कोण में आप अब वास्तु के हिसाब से भी आप जानते होंगे कि इष्ट की स्थापना या मंदिरों की स्थापना अक्सर ईशान कोण में की जाती है, क्योंकि ये ईश्वर का स्थान है, इसीलिए इसका नाम ईशान पड़ा है, यानी कि ईश्वर का स्थान है पूर्व और उत्तर दिशा में, ठीक है। अब दिशा का ये भी हो गया, उसके बाद दिशा के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काल से रिलेटेड है, फर्स्ट वन इज़ ये दिशा नित्य है, कंटिन्यूअस है, कभी भी चेंज नहीं होगी, हमेशा पूर्व पश्चिम नहीं हो सकता, पश्चिम उत्तर नहीं हो सकता, सर्वव्यापी यानी हर जगह चाहे आप कहीं भी चले जाइए, या हम हिंदी में बोलेंगे या विदेशों में जाएंगे तो अंग्रेज़ी में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रहेगी वही और एक ही है दिशा, सब जगह एक जैसी होती है, हर जगह नॉर्थ मतलब नॉर्थ है, साउथ मतलब साउथ है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक। अब दिशा ज्ञान का महत्व क्या है, इधर इस ओर उधर उस ओर ये जो व्यवहार होता है ना ये सब दिशा का लक्षण है, इससे परत्व और अपरत्व दोनों का ज्ञान होता है, परत्व मतलब दूर, अपरत्व मतलब पास, पर का मतलब होता है दूर से, ठीक है, परत्व मतलब दूर और अपरत्व का मतलब होता है पास, ठीक। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, दिशा ज्ञान का महत्व क्यों ज़रूरी है, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया कि वायु के हिसाब से विकार के अनुसार भी विकार की दृष्टि से भी दिशा का बहुत महत्व है, और जलवायु तथा औषधि के लिए भी दिशा का बहुत ज़्यादा महत्व, आपको क्यों ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए बहुत इजी है, जब वायु के बारे में जानना चाहते हैं हम तो सूर्य के समक्ष जो पूर्व दिशा है वहाँ पर, वहाँ पूर्व की वायु जो होती है वो हमेशा उष्ण अभिशंधी होती है, ठीक है, उष्ण होती है, अभिशंधी वायु होती है, पक दूषी मतलब त्वचा को दूषित करने वाली होती है, अर्श क्रीमी या विष विकार श्वास विकार को उत्पन्न करने वाली होती है। इसका सीधा सा मतलब और उसको याद करने का बहुत ईजीएस्ट तरीका यह है कि सूर्य का मतलब होता है ताप, सूर्य मतलब पित्त, सूर्य मतलब अग्नि, तो अग्नि से रिलेटेड जितने भी विकार जैसे कि अर्श हो गया, जैसे कि क्रीमी, जैसे कि विष, ये सब कुछ उष्ण है विकार है ना, श्वास विकार, ये सारे के सारे पूर्व दिशा की वायु में होते हैं। वहाँ की वायु अगर उष्ण वायु में आप रह रहे हैं, अभिशंधी वायु में रह रहे हैं, त्वचा को दूषण करती है, सीधी सी बात है, सन टैन होता है, स्किन टैन होता है, ठीक है, तो त्वचा को दूषण करने वाली भी पूरा, जितना ज़्यादा सन रेज में आप आएंगे उतनी जल्दी आपकी स्किन खराब होगी, इसलिए इसको त्वक दूष्य भी बोला गया, कहाँ पूर्व दिशा की जो वायु होती है। उसके बाद आप आते हैं तो ठीक पीछे उसके पश्चिम दिशा में, तो एकदम ऑपोजिट होता है ये, क्योंकि इसको भी याद करने का ईजीएस्ट तरीका है कि पूर्व जो होता है वो सूर्य के समक्ष होता है और पश्चिम उसके ठीक बैक में होता है और एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना, तो इसलिए उसका जो गुण भी है वो भी पूर्व दिशा से एग्जैक्ट अपोजिट होता है, जैसे कि शीतल होती है वायु एकदम मूर्छा का दाह का तृषा का विश्वकार का नाश करने वाली थी, वो हर चीज़ जो पूर्व दिशा की वायु उत्पन्न करती है उन सबका नाशक होती है कौन सी, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली वायु, ठीक है, यानी कि पित्त विकार का शमन करने वाली होती है कुल मिलाकर। उसके बाद हम आ जाते हैं उत्तर की ओर, उत्तर की वायु जो होती है स्निग्ध होती है, मृदु होती है, मधुर होती है, शीतल और कषायन रस वाली होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि दोषों को प्रकोपित नहीं करती है, अगर उत्तर दिशा की वायु में आप रहते हैं ना, उत्तर दिशा की ओर आप निवास स्थान है आपका, तो इस तरह की वायु वहाँ पर चलती है वो जो दोषों को प्रकोपित नहीं करती है। इसके ठीक ऑपोजिट हम आते हैं दक्षिण में, दक्षिणी दिशा की जो वायु होती है ये श्रेष्ठ वायु होती है, बलकारी होती है, नेत्र के लिए भी हितकारी होती है, ठीक है, रक्त पित्त का नाश करने वाली होती है और वात दोष को प्रकोपित नहीं करने वाली होती है। तो दक्षिण दिशा की वायु को श्रेष्ठ वायु बोला गया है, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, पीजी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी दिशा की वायु श्रेष्ठ होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण दिशा की वायु श्रेष्ठ होती है। उसके बाद आ जाइए आप औषधि एवं जल की दृष्टि से भी दिशा का बहुत ज़्यादा महत्व है, अगर आपको औषध ग्रहण करना है तो भी आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, और किस दिशा में बहने वाला जल या किस दिशा से प्राप्त होने वाला जल कैसा होता है उसके लिए भी
वह भी चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम इसको देखते हैं, पूर्व दिशा की ओर जो पाया जाने वाला जल होता है, उस तरफ की जिस नदियाँ होती हैं उनसे जो जल प्राप्त होता है वो जो होता है अपथ्य जल होता है, ठीक है, उसका ग्रहण नहीं करना। नॉर्मली ये अर्श को उत्पन्न करने वाला था, या सीधी सी बात है जैसे वायु होती है वहाँ की उष्ण, वैसे उसी प्रकार जल में भी कुछ उसी प्रकार के गुण होते हैं, ठीक है। अर्श विकार होता है वहाँ पे उसकी जल को ग्रहण करने से। पूर्व के स्वामी सूर्य हैं, ठीक है, और उत्तर के स्वामी चंद्रमा, मैंने बताया, ठीक है। इसके ठीक ऑपोजिट जो होता है पश्चिम होता है, पश्चिम जो होता है जैसे कि वो अपथ्य जल है पूर्व का, तो पश्चिम जो दिशा एग्जैक्ट ऑपोजिट यानी कि सदैव पथ्य जल होगा क्योंकि निर्मल जल होता है वो वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप उत्तर में, उत्तर की जो वन औषधि होती है, जितने भी वन उत्तर में पाए जाते हैं अक्सर करके आपको पता होगा हिमालय में ही सारी औषधियाँ मिलती हैं हमारी। तो अब हिमालय की औषधियाँ क्यों, क्योंकि वहाँ की उत्तर दिशा में हिमालय और वहाँ की वन औषधि उत्तम होती है। अगर आप पूर्व और पश्चिम, पूर्व और उत्तर के बीच में जाते हैं तो वहाँ पर जो भी औषधि है वहाँ की औषधि को ग्रहण करने का विधान किया गया हमारी संहिताओं में, क्योंकि उत्तर का, अभी मैंने पहले भी बताया है कि उत्तर का स्वामी जो है वो चंद्रमा है और पूर्व के स्वामी जो सूर्य, तो ईशान कोण में मिलने वाली जितनी भी औषधि होती है ना वही संग्रह करने योग्य होती है। चिंताक्षवेद के लिए या कुटी प्रावेशिक रसायन के लिए बहुत उत्तम दिशा है ये, वहाँ पर ये ट्रीटमेंट करना चाहिए, ऐसे हमारी संहिताएँ कहती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे पर्वत भी हैं जहाँ पर मिलने वाली औषधि या जल के बारे में हम पढ़ते हैं। महेंद्र पर्वत है, महेंद्र पर्वत में अगर आप जाते हैं तो वहाँ से बहने वाला जो जल है वो, अगर उस जल का आप सेवन करते हैं तो वो उदर रुक्ष लिपत को उत्पन्न करने वाला होता है, ठीक है। पारियात्र पर्वत होता है, पारियात्र पर्वत हिमालय की ओर होता है, ठीक है। वहाँ की जो नदियाँ होती हैं वो त्रिदोष नाशक होती हैं, बल और पुरुष का वर्धन करने वाली होती है। उसके बाद आ जाइए आप सह और विंध्याचल पर्वत में, तो ये जो बीच का एरिया होता है ना हमारे इंडिया का जो बीच का एरिया जहाँ पे सह और विंध्याचल पर्वत है, मतलब विंध्य क्षेत्र जो है, वहाँ की जो जलवायु होती है ना वो कुष्ठ पांडु और शिरोग को उत्पन्न करने वाली होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए दिशा और काल में अंतर, कुछ कॉमन चीज़ें दिशा और काल में है वो आपको पता है कि काल और दिशा दोनों का निर्धारण सूर्य के अनुसार किया जाता है। दोनों ही नित्य हैं, दोनों ही सर्वव्यापी है और दोनों ही एक है, आप चाहे कहीं भी चले जाइए ऐसा ही रहेगा। फिर भी इनमें कुछ अंतर है, पहला अंतर ये है कि दिशा जो है वो दूर आदि का व्यवहार करते हैं, मतलब कितना दूर कितना पास ये करते हैं। सूर्य के लिए हम दूर और काल के लिए हम लोग दूर का समय या पास का समय ऐसा नहीं करते, केवल जो बीत चुका है अतीत का व्यवहार किया जाता है। उसके बाद सेकेंड है दिशा जो होती है उपाधि भेद से 10 होती है, ऐसे हम चार पढ़ते हैं लेकिन उपाधि भेद से 10 होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उनके चारों के बीच का चार कोण और आकाश और पाताल, तो इस प्रकार से 10 होती है। जबकि काल अगर देखते तो नॉर्मली 3 भेद होते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान काल। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें डिफरेंस है कि दिशा भी नित्य है और काल भी नित्य है, फिर भी नित्य होकर भी जो दैशिक संबंध होता है वो अनियत होता है, इसको बदला जा सकता है, यानी कि हम अपना डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम पूर्व की ओर गमन कर रहे हैं लेकिन अगर हमको समझ में आया कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उसको पश्चिम की तरफ भी बढ़ सकते हैं, आप उत्तर की तरफ बढ़ सकते हैं, आप दक्षिण की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन काल को आप नहीं चेंज कर सकते। अगर दिन का समय है तो वो दिन ही रहेगा, रात्रि का समय है तो वो रात्रि ही रहेगा, दिशा के अनुरूप काल को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। काल एज इट इज़ रहेगा, चाहे पूर्व की तरफ चले, अगर 2 बजे हैं तो आप पूर्व की तरफ चल रहे हैं तो भी 2 ही बजे होंगे और आप पश्चिम की तरफ चल रहे हैं तो भी 2 बजे रहेगा, वो 2 का 4 नहीं हो जाएगा क्योंकि आप पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर आ गए, ठीक है ना। तो वो नियत ही रहेगा, वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप डायरेक्शंस को ज़रूर चेंज कर सकते हैं, ठीक, अपने व्यवहार के लिए, लेकिन आप काल को अपने व्यवहार के अनुरूप चेंज नहीं कर सकते। आशा आप लोग को कुछ समझ में आया होगा इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर नहीं भी समझ में आए हैं तो प्लीज़ इसको मेरे को एक बार फिर से आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।